हे भले मानूस, नमस्कारम, प्यार मोहब्बत स्वागतम। दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम निकल पड़े हैं एक नया ब्लॉग, एक नया सफ़र के लिए। आज हम जा रहे हैं, आप और हम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरा सपोर्ट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के कर दें, कमेंट करें, अपना इंटरेस्ट शो करें ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। चलिए दोस्तों, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे माँ काली का और एक्सप्लोर करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर वाया ट्रेन और मेट्रो से आप लोग जा सकते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर से आप लोग वेलूर मठ की तरफ भी जा सकते हैं। कब, कहां और कैसे, बाकी का डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कृपया चेक कर लें। चलिए दोस्तों, मंदिर की ओर चलते चलते इस मंदिर को बनवाने वाली मेन नायिका रानी राजमणि और उनकी योगदान के कुछ किस्से जान लेते हैं। रानी राजमणि का जन्म हाल ही शहर में हुआ था और उनका शादी 11 साल की उम्र में जान बाजार के जमींदार बाबू राजचंद्र दास के साथ हुआ था। बाबू राजचंद्र दास एक मॉडर्न ख्यालात के थे। वे रानी राजमणि के एजुकेशन और उनके हर सोशल वेलफेयर कार्य को सामाजिक परंपरा और परिवार के अगेंस्ट जाके सपोर्ट करते थे। रानी राजमणि अपने पति के सपोर्ट से राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर बहुत से समाज सुधारक काम किया था, जैसे कि सती प्रथा, विधवा विवाह, गर्ल्स एजुकेशन इत्यादि। तभी लोग उन्हें रानी माँ और लोक माता रानी राजमणि कहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रानी राजमणि एक काबिल बिजनेस वूमेन बन गई, लेकिन 40 के उम्र पार करते ही वे विधवा हो गई और अकेले ही हर चुनौतियों का सामना करती रही। एक साल खेत का फसल सही से उपजाऊ नहीं होने पर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो रानी माँ विचार करती है काशी में जाके माँ अन्नपूर्णा की पूजा करेंगी। जब वे अपने परिवार और कुछ गांव वालों के संग काशी यात्रा पर निकलती है, तभी उनकी नाव हुगली नदी के पूर्वी तट पर अचानक मौसम खराब होने की वजह से रोकना पड़ता है और यहीं रानी माँ को माँ काली का स्वप्न आदेश आता है कि इतना दूर यात्रा करने की जरूरत नहीं है, तू मेरा मंदिर इसी भागीरथी के किनारे स्थापित कर। मंदिर बनवाने के लिए रानी माँ को परंपरा, सामाजिक और अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मंदिर करीब 8 लाख रुपयों के खर्च से 9 साल में बनके तैयार हुआ। दक्षिणेश्वर एक नवरत्न काली मंदिर है। माँ काली यहाँ माँ भवतारिणी के रूप में पूजित होती हैं। माँ भवतारिणी मंदिर के ठीक सामने 12 शिवलिंग मंदिर है। अब समय आ गया माँ भवतारिणी का दर्शन करने का और प्रार्थना करता हूँ माँ का आशीर्वाद सब पे रहे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आइए, गंगा में नहाइए, माँ का दर्शन करिए, मेरा ब्लॉग देखते रहिए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। धन्यवाद। তুমি ভদ্রকাল, তুমি কপালিনী, তুমি দুর্গা, তুমি শিবা, তুমি ক্ষমা, তুমি ধাত্রী, তুমি স্বাহা আর তুমি সর্বা, এই মন্ত্র।